डिस्ट्रक्शन। हेलो गाइस, मैं हूँ किलगॉड। आप देख रहे हैं किलगॉड डिस्ट्रक्शन और आज हम लोग सीखेंगे कैसे इंस्टॉल करना है गेम लूप को 7.1 और प्रॉपर लैग फिक्स कैसे करना है उसको। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। हम लोग रेवो इंस्टॉलर को यूज़ करेंगे क्योंकि इससे फ़ायदा है भाई कि जितने फाइल्स रहते हैं आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा ज़्यादा और आसानी से ये डिलीट कर देता है। ठीक है, ये रहा गेम लूप, ये है 7.1 अपना, पर इसमें भी लैग फिक्स नहीं हुआ। बहुत पे कोई इशू आ रहे हैं, बहुत पे मेरे को बोल रहे हैं वीडियो इस पर डालो, तो इसको अनइंस्टॉल करेंगे। इसको फिर से एक बार स्कैन कर लेंगे, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आया, सेलेक्ट ऑल करना, डिलीट करना, डिलीट हो गया, पूरा ख़त्म। पर अभी तक पूरा ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, अपना इधर जाने का, सी ड्राइव में जाने का, टेम्प यूज़र देखने का। ठीक है, सिर्फ प्लस डिलीट दबाने का, ख़त्म। फिर ये आओ, ये जो भी है ये इंस्टॉल के बाद ही शायद होता है। ठीक है, तो इसको भी उड़ाने का, ये नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इंस्टॉल के बाद ही होता है। ठीक, उसके बाद फिर अपन लोग को प्रोग्राम डाटा में जाना है, ढूंढना है टेंसेंट। ये रहा टेंसेंट, यहाँ पे टी दबाओगे दिख जाएगा। ठीक है, इसको डिलीट करना है। ये साइड डिलीट नहीं होगा तो आपको एक बार पीसी रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो नहीं हो रहा। चलो भाई, हम लोग रिस्टार्ट करके तो आ गए, हम लोग देखते हैं वहाँ से डिलीट हुआ कि नहीं। सी ड्राइव में प्रोग्राम डाटा कहाँ गया? प्रोग्राम डाटा टेंसेंट अभी भी है। आप इसको डिलीट मारो, अभी भी क्या बोलता है भाई, हो गया। एक भी फाइल नहीं छोड़ने का। अब हम लोग इस पे जाएंगे, यहाँ पे टेंसेंट सर्च करेंगे, टेम्प। टेम्प के अंदर कुछ नहीं, उड़ा दो, सिर्फ प्लस क्लिक खत्म करो। इसकी भी कहानी, इसकी पहन का, इसको हटाए। अब प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ पे टेंसेंट सर्च मारो, है नहीं है। यहाँ से भाई लोग यूज़र पे जाना। ठीक है, पहले यहाँ पे देख लेना, आपका व्यूज़ में जाके हिडन फाइल अनहिडन कर देना, पहले से टिक कर देना। ठीक है, जिससे आप लोग को देखने में आसानी मिल जाए। फिर अपना नाम पे जाना। ठीक है, फिर यहाँ ऐप डाटा होगा, ठीक है, जो हिडन रहता है। यहाँ पे आपका नाम होगा श्याम, या फिर जो भी नाम रहता है, एडमिन उडमिन जो भी है आपका, वहाँ पे जाना, ऐप डाटा में जाना, रोमिंग में जाना और यहाँ पे सर्च करना भाई टेंसेंट। ये रहा टेंसेंट। ठीक है, इसको पकड़ना, सेव प्लस डिलीट हो गया। उसके बाद फिर टूटो, और कुछ है इधर? नहीं, लोकल रोम है, कुछ नहीं। मतलब आपको पूरा फाइल चेक करना है भाई कि कहाँ है कहाँ नहीं है, अपने को मतलब है टेंशन, पूरा कंप्लीट उड़ा देने का। ठीक, पूरा गया टेम्प। उसके बाद फिर भाई पूरा ख़त्म करने के बाद अब अपना चेक करो कि कौन कौन से ड्राइव में है, कौन कौन से ड्राइव में नहीं। यहाँ पे है टेम्प, है, पकड़ो और डिलीट करो। ये क्या है पता नहीं, उड़ा दो। यहाँ पे प्रोग्राम फाइल, प्रोग्राम फाइल भी उसी का फोल्डर होता है भाई लोग, उसको भी उड़ाने का है, पूरा डिलीट। अब यहाँ पे अपना काम हो गया कंप्लीट। अब हम लोग यहाँ पे मारेंगे टेम्प फोल्डर को फाइंड, परसेंट टेम्प परसेंट। ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे और जो भी है पूरा सिर्फ प्लस डिलीट मार देंगे। जो होगा तो होगा, जो नहीं होगा वो अपना रनिंग फाइल सॉफ्टवेयर जो भी होता है वो रहता है। ठीक है, इसको स्किप कर देंगे। इसके बाद फिर सेम प्रोसेस, अब बस हम लोग को टेम्प करना है, टी ई एम पी। ये देखो आ गया, इसको ओके करेंगे, यहाँ से भी कंट्रोल ए, सिर्फ प्लस डिलीट, खत्म। जितना होता है होने दो, जितना नहीं होता छोड़ देना। इतना होने के बाद, ये सारा प्रोसेस करने के बाद फिर अपन लोग आ जाएंगे इधर, लिखेंगे रजिस्ट्री। यहाँ पे करंट जो यूज़र है, ठीक है, एच की करंट यूज़र, इस पर क्लिक करना। उसके सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर किधर गया वो बोलिए, ये रहा। उसके बाद यहाँ पे टेंसेंट दिख रहा होगा, ठीक है, इसको पूरा डिलीट कर देना, सिर्फ प्लस डिलीट, परमानेंटली डिलीट। ठीक है, कोई लोचा नहीं छोड़ने का इधर।
पूरा क्लियर हो गया, कंप्लीट, बस इतना ही था, सिंपल, पूरा इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग को इंस्टॉल करना है 7.1 चाइनीज़ वर्जन, ठीक है। गूगल पे जाने का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे 7.1 बेटा बोल रहा है, इस पर क्लिक करना, और ये देखो चाइनीज़ में दिख रहा है, चाइनीज़ 4.4, ठीक है। इंग्लिश वाला मत करना, इंग्लिश वाला मैंने ट्राई कर लिया, आप लोग को उसमें लैग देखने को मिला थोड़ा बहुत, ये वाले पे क्लिक करना और ये खुद हो जाएगा स्टार्ट डाउनलोड, कर लेना स्टार्ट डाउनलोड। ओपन बोल रहा है, अभी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, इतना रिफ्रेश मारो कट करके, और अपने को करना पड़ेगा VPN कनेक्ट, ठीक है, ऐसे नहीं करेगा ये। VPN किधर गया बाबू? विंडस्क्राइब, मैं यूज़ करता हूँ विंडस्क्राइब, तो देख लो अपना, तुम लोग वो भी कर सकते हो, VPN की वजह से भी प्रॉब्लम होता है, तो देखते हैं अपन का होता है कि नहीं होता, इसको कनेक्ट करते हैं। अगर एक VPN से नहीं होता गाइस, तो दो तीन VPN भी ट्राई कर सकते हो आप लोग। ईमेल से कनेक्ट करोगे गाइस तो आपको 10 GB मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे भाई आके इस पर APK पे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। APK डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको दिखा देता हूँ मैं। APK अवार्ड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप पहले ही पे जाना है, और यहाँ पे पबजी मोबाइल ढूंढना है, यहाँ पे APK एंड OBB दोनों डाउनलोड करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेना, मैंने डाउनलोड कर लिया है, और यहाँ पे 3 डॉट पे जाके यहाँ पे APK लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये ऊपर पे आ गया है, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, और उसके बाद देखेंगे ये हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे टेंसेंट प्रोटेक्ट आ गया, ठीक है। अब ये साइट ओपन हो जाएगा, ओपन हो गया। अब इसका लैंग्वेज कैसे चेंज करना है ये आप लोगों को देखना है, ठीक है, रुको मैं बताता हूँ, पहले ये देख लेते हैं, ये प्रॉपर नहीं होगा, पहले पूरा इंस्टॉल होगा ये, ठीक है। देखो ये आएगा, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से कट कर देंगे। अब इसका लैंग्वेज चेंज करेंगे, हम रजिस्ट्री में जाते हैं, रजिस्ट्री में जाके करंट यूज़र में जाओ, सॉफ्टवेयर में जाओ, टेंसेंट आपको ढूंढना है, टेंसेंट मोबाइल PC लैंग्वेज एंड CN से US कर दो इसको कैपिटल करके, और इधर EN कर दो, ठीक है, सेम रखना, चेंज मत करना, नहीं तो लैंग्वेज चेंज नहीं होगा, ठीक। हो गया अपना ये, अब हम लोग इसको पूरा बंद कर देते हैं, ठीक है, बंद। माय गेम को ओपन करेंगे, ये ऑन नहीं होगा, ठीक है, इसके लिए हम लोग को कुछ कुछ फाइल्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, OBB डालना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा, ठीक है। ये हो रहा है, कुछ जरूरत नहीं इसको करने की, चलो हो जाने दो, कोई बात नहीं, इसकी मन मर्जी है भाई, होने दो। ये हुआ, ये आएगा यहाँ पे डाउनलोड फील्ड, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पे करना है F9 क्लिक, ब्राउज़र में जाना है, और इसको बड़ा कर देते हैं, ओके, सी मोर नो नो, ये एग्री वेग्री क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ से हम लोग को डाउनलोड करना है कि एक फाइल एक्सप्लोरर आ गया, कहाँ जा रहे हैं वे, रुक जा भाई, मारो मुझे मारो, इस पर क्लिक करते हैं, फ्री डाउनलोड, डाउनलोड APK हो रहा है, स्टार्ट डाउनलोडिंग, कंप्लीट हो गया, इसको खोल लेना, इंस्टॉल मार देना, इंस्टॉल होने के बाद इसको डन, पूरा बैक, और यहाँ पे आ जाना है EX फाइल में, एग्री कंटिन्यू, इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे जाओ, पहले OBB फाइल्स के साथ सेटिंग्स करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, OBB फाइल्स ढूंढो किधर आया है आपका,
ठीक है, इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग, जो भी आएगा ये फाइल जो रहता है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये बन जाएगा। और ओबीबी फाइल को हम लोग यहाँ से सी ड्राइव में जाएंगे, टेम्प फोल्डर, मोबाइल शेयर में जाना है, यहाँ पे हम लोग को पेस्ट कर देना है इसको, ईएक्स फाइल खोलना है। ऐसे क्लिक करने का, ऐसे डाटा में बैक कैसे जाते यार, एक स्टेप बैक, डाटा में शेयर वन में, ऐसे सेलेक्ट करना है, ऐसे सेलेक्ट नहीं होगा तो ऐसे सेलेक्ट करना है। यहाँ से कर लेंगे कट, जाएंगे होम पे, इंटरनल स्टोरेज, एंड्रॉयड, ओबीबी, टेंसेंट एंड पेस्ट, बस हो गया फिनिश। अब हम लोग इसको बंद कर देंगे, ठीक है पूरा। ये बिना वीपीएन के भी आप लोग कर सकते हो, पर एक बार वीपीएन से कर लेना, अगर नहीं होता तो इंस्टॉल तो आपको मतलब जो करता है वो वीपीएन से करना पड़ेगा। तो इसको ऑन करते हैं, ये रहा ओपन। लेट्स सी क्या होता है, इट्स ओपन और नॉट। तो गाइज अपना पबजी हो गया है इंस्टॉल, वेल डन, खुल रहा है ये, बूम, अपन लोगों ने कर दिखाया। बिना वीपीएन के वर्क किया है ये, अपडेट फिनिश, प्लीज रिस्टार्ट द गेम। ओके नो प्रॉब्लम, तब तक हम लोग इसकी सेटिंग्स कर लेते हैं, सेटिंग्स देख लेते हैं क्या क्या है। सेटिंग्स नहीं चाहिए, हाइड वाटरमार्क चलेगा, ये अपन खेलेंगे डायरेक्ट एक्स पे खेलेंगे, लैग वैग नहीं होगा, एचडी पे खेलेंगे भाई एकदम तगड़ा वाला, कोई दिक्कत नहीं। 90 FPS आ गया इधर, 1080 पे खेलूंगा क्योंकि टुके भाई बहुत उतना ज़रूरत ही नहीं है अपन को, टुके पे भी चला के दिखा दूंगा पर मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से अपन लोग सब चीज़ इसको कर देते हैं, 920 240 है अपना, ऑटो क्लॉज सब है, बेसिक्स ये देख लो, ठीक है यही अपनी सेटिंग्स। ओके सेटिंग्स में जाते हैं, ग्राफिक्स में जाते हैं, HDR एक्सट्रीम अल्ट्रा HD तक जा सकते हैं शायद हम लोग, नहीं HDR एक्सट्रीम पे खेलते हैं हम लोग और खेलते हैं रियलिस्टिक पे। ऑफ ये हो गया, लॉबी में भी अपने को भाई एक्सट्रीम चाहिए, रियलिस्टिक चाहिए, कुछ नहीं बदलना है अपने को। एंटी एनालाइजिंग ऑफ, शेडो ऑफ, ठीक है, साउंड क्वालिटी चेंज। तो एक छोटी सी ट्रिक है गाइस, इसको आप लोग अपना सकते हो, ठीक है, यहाँ पे F9 प्रेस करना और यहाँ पे जाना और ना इसको जो भी डाउनलोड है इसको हटाना, गूगल पे आना और इसको थोड़ा सा शेक करना, ठीक है, क्या डाउनलोड हो रहा है, ये आ गया अपना यहाँ से FPS। इसका फिर इसको यहाँ से बैक करके पबजी पे आ जाना, लेट्स सी अब होता है कि नहीं। ये छोटी सी ट्रिक थी, मे बी शायद वर्क कर जाए। सेटिंग्स चेक कर लेना गाइस, ठीक है, बार बार चेक करते रहना, कहीं कुछ कुछ गड़बड़ रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाना, इसको क्लिक कर देना, ये आपको स्टेबल देगा थोड़ा सा। और एक बार रिस्टार्ट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।